ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोग जेके एसएसबी के फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं जिसमें करंट अफेयर बाकी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो, तो आप लोग अभी इंस्टॉल करें जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ आप जाके फ्री टेस्ट जो है लगा सकते हैं। यहाँ पर तीन लाइंस होंगी, आपको यहाँ क्लिक करना और यहीं पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड विद स्पोर्ट्स कैटेगरी। इसमें पूछा गया है कि कौन से इंडियन ने अभी एक टाइटल जो है वो जीता है, जिस टाइटल का नाम है वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया एंड ओशियनिक इवेंट। क्या वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया एंड ओशियनिक इवेंट जो टाइटल है वो किस इंडियन ने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जी गुकेश। क्या आंसर है? जी गुकेश। ये बेसिकली इंडियन यंग ग्रैंड मास्टर जी डी गुकेश ने ये टाइटल जो है वो जीता है। ओके, चलिए अब इतना ही याद रखते हैं। नेक्स्ट, जितनी भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है ये इसमें बताया गया है कि एक्स्ट्रा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जीता है, चेस कब इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने भी इनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करा है, तो वो चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा T20 में हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड जो है वो होल्ड किया। कौन से प्लेयर ने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स बनाने का जो रिकॉर्ड है वो कायम रखा है? इसका जो आंसर है दैट इज़ राशिद खान। क्या आंसर है? रशीद। अब ये राशिद खान गुजरात टाइटन से खेल रहे हैं और मोस्ट हैट्रिक्स का रिकॉर्ड जो है इनके नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन को 2023 में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स में अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स में मतलब इनको अवार्डेड किया जा रहा है, ठीक है? कौन से इंडियन अमेरिकन ऐसे मैथमेटिशियंस हैं? तो इनका जो आंसर है दैट इज सी राधा कृष्ण राव। क्या? सी राधा कृष्ण राव। ओके ओके, इस अवार्ड की अगर मैं थोड़ी सी खासियत आपको बताऊं तो ये जो अवार्ड है इसको कंसीडर किया जाता है एज अ नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। क्या? इसको नोबल प्राइज कंसीडर किया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और ये जो अवार्ड इनको दिया जा रहा है ये इसलिए दिया जा रहा है, ऑब्वियसली इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रही है राव की इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सो दैट्स वाई दे आर गिविंग दिस इंटरनेशनल प्राइज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि गाइया मिशन जो है वो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा, बताइए कि कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ ये एसोसिएट है, कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ ये मिशन एसोसिएट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ESA। क्या आंसर है? ESA, ठीक है। ES स्पेस एजेंसी जो है उसके साथ ये जो गाइया मिशन है ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसको एक्सटेंड किया गया है कौन से साल तक, कौन से साल तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम को एक्सटेंड किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 2025, 2025 तक किया गया है। ओके, तो ये लॉन्च कब हुई थी? 2016 में ये लॉन्च हुई थी। किस लिए? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब प्रमोट किया जाए, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो करी जाए, उनको प्रोवाइड की जाए, हेल्प प्रोवाइड की जाए इन टर्म ऑफ मनी। ओके, सो दैट की जॉब क्रिएशन का जो हब है वो इंट्रोड्यूस हो सके। क्लियर है? तो फाइनली ये जो स्कीम है ये 2025 तक अब एक्सटेंड कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? इसका जो आंसर है दैट इज 10 अप्रैल। कब? 10 अप्रैल को किया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें इस दिन किनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, मतलब किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये होम्योपैथी डे जो है वो मनाया जाता है, तो उनका आंसर था डॉक्टर सुमेल हेनामन, ठीक है, जो कि फाउंडर माने जाते हैं होम्योपैथी के, उनके यादगार में। ओके, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इस साल की इसकी जो थीम है दैट इज़ और हेल्थ और फैमिली, ठीक है। और
आयुष्मान मिनिस्ट्री के अंदर, अंडर मिनिस्टर ऑफ आयुष्मान इंडिया, तो सेंट्रल काउंसिल है रिसर्च के लिए होम्योपैथी, उन्होंने ये सेलिब्रेट करा वाई ऑर्गेनाइज अ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन दिस ओकेजन, मतलब इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे के ऊपर। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्टेट का मिर्चा राइस, ठीक है, कौन सी स्टेट का मिर्चा राइस को रिसेंटली ज्योग्राफिकल टैग, इंडिकेशन टैग, मतलब जीआई टैग जो है वो मिला है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। क्या आंसर है? बिहार। और ये बेसिकली एक राइस की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार की ये एक एक वैरायटी है राइस की, जिसे मिर्चा राइस बोला जाता है, उसको अभी जीआई टैग जो है वो दिया गया है। सिमिलर साइज एंड शेप टू ब्लैक पेपर, ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिर्चा। देखो अब बेसिकली इसको मिर्चा नाम दिया क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रेन रहते हैं, इसका जो दाना रहता है राइस का, उसका साइज और शेप जो है ना वो ब्लैक पेपर, मतलब जो काला क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्ची होती है ना, उसके तरह होता है इसका साइज और शेप। सो दैट्स व्हाई इसको जो नाम है वो दिया गया है मिर्चा राइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंगली जो कितनी पॉपुलेशन, टाइगर्स की कितनी पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज हुई है 2022 में टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंगली कितनी पॉपुलेशन टाइगर्स की इंक्रीज हुई है इंडिया में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 3167। कितनी? 3167। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी बोराक सट्रस जो ऐप जो है वो लॉन्च करी है। क्वेश्चन में पूछा गया जो ऐप है ये किसके रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है। तो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड विद वुमेन सेफ्टी। क्या? वुमेन सेफ्टी के रिलेटेड है। अब एक इवेंट जो था ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ पे, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम के अंदर, वहाँ पर प्रेसिडेंट साहिबा ने ये बोराक्स ट्रस्ट ऐप जो है जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए है, इसको इंट्रोड्यूस करा है। ओके, तो इन केस ऑफ डिस्ट्रेस्ड या वुमेन विल बी एबल टू सेंड SOS मैसेज टू एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, मतलब यहाँ पर वीमेंस जो है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर सकती है, SMS कर सकती है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे उनकी जियो लोकेशन के साथ, मतलब वो ऑब्वियसली पता लग ही जाएगा किस लोकेशन से वो कॉल कर रहे हैं। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी दो ऐप्स को अनवील किया है, एक मतलब रिप्रेजेंट करा है। रिप्रेजेंट, अनवील का मतलब होता है शो करना। ओके, ऑन दी वेबसाइट ऑफ ई सेवा केंद्र फॉर असम। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो लॉन्च करने वाली है अपना फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा करिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं, आई वांट कि आप लोग लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, बिकॉज लाइक से पता लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आ रही है नहीं आ रही। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।